श्री हनुमान जी जन्म स्थल अंजनी पर्वत किष्किंधा 575 स्टेप्स। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे चैनल अराउंड द वर्ल्ड में। मैं हूँ अभी बेंगलोर स्टेशन से निकला हूँ, अभी ट्रेन पे बैठा हूँ। लास्ट मिनट में ट्रेन को पकड़ा था इसलिए यहीं पे खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ। मैं एक्चुअली बेंगलोर से अभी जा रहा हूँ हॉस्पेट, हम्पी के नाम से भी आप जान सकते हैं और किष्किंधा के नाम से भी आप जान सकते हैं। किष्किंधा आप मेरे हिसाब से आप सबने सुना होगा, हम्पी या हॉस्पेट आप नहीं सुने होंगे शायद। बेंगलोर आते हैं तो लोग ज़्यादातर कुर्ग, बेंगलोर, ऊटी, मदुराई, कोयम्बटूर ये सब जगह एक्सप्लोर करते हैं। मैं ये सब जगह नहीं जाके हम्पी यानी हॉस्पेट या किष्किंधा जा रहा हूँ। किष्किंधा आप सबको मालूम होगा किस चीज़ के लिए फेमस है। जी हाँ, वहाँ पे हनुमान जी का जन्म हुआ था और महाराज सुग्रीव का भी वो राज्य रह चुका है, तो वहीं पे मैं जा रहा हूँ। वहाँ पे पहाड़ है बहुत ऊपर, वहाँ किष्किंधा में अंजनी पर्वत नाम से एक बड़ा पहाड़ है, वहाँ पे जाके मंदिर में दर्शन करेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ, बहुत ही अच्छा ब्लॉग होने वाला है। मैं जाके बताऊंगा वहाँ पे कैसी फैसिलिटीज है, कहाँ आप रुक सकते हैं, क्या खा सकते हैं और कैसे कैसे आप वहाँ जा सकते हैं। तो आप बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आने से लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी होटल से चेक इन करके हम लोग रेडी हो चुके हैं, अभी जाएंगे हम लोग कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद वहाँ से ऑटो पकड़ के जाना होगा। अराउंड 30 किलोमीटर है यहाँ से। यहाँ पे ओला उबर की फैसिलिटी नहीं है तो आपको ऑटो ड्राइवर से ही बात करना पड़ेगा, बाकी वो सारा टूरिस्ट प्लेसेस जो भी है यहाँ पे सारा घुमा के दे देगा आप सबको। होटल आप सबको अराउंड 600 से 700 की रेंज में अच्छा खासा होटल मिल जाएगा यहाँ पे। टैक्सी चार्जेस जो रहेंगे वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं, यहाँ पे हम लोग से अराउंड 1500 मांग रहा है वो, तो देखते हैं लास्ट प्राइस कितने में फाइनल हो पाता है। थैंक यू। कितना टाइम लगेगा यहाँ से उधर जाने के लिए? 1 घंटा ऊपर ही होता है। 1 घंटा नियरली होना हुआ यहाँ से 30 किलोमीटर। 37 किलोमीटर। हॉस्पेट रेलवे स्टेशन से करीब 40 किलोमीटर पड़ेगा यहाँ पे। हम लोग अभी पहुँचे हैं, करीब 1 से 1.5 घंटे का रास्ता पड़ेगा। रास्ता काफ़ी अच्छा है, बीच पे थोड़ा सा ख़राब है। यहाँ से आप पूजा का सामान वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। और ये आप ऊपर देखिए, और ये आप ऊपर देखिए, यहाँ पे जो सीढ़ियाँ नज़र आ रही है आपको, वही सीढ़ियों से अपने को ऊपर जाना है। यहाँ से सीढ़ियाँ शुरू होती है, करीब 550 से 600 सीढ़ियाँ अपने को चढ़नी पड़ेगी। जय श्री राम। यहाँ पे जगह जगह पे आपको देख मिल जाएगा कितनी सीढ़ियाँ चढ़ी है, जैसे 50 स्टेप्स हो चुके हैं तो यहाँ पे आपको जगह जगह पे मिल जाएगा 100-150 पे।
ऊपर का जो व्यू देखने को मिलेगा आपको, बहुत ही कमाल का व्यू देखने को मिलेगा। और ये जो सीढ़ियाँ हैं इतना आसान नहीं है, बहुत टफ है। और यहाँ पे 150 स्टेप्स कंप्लीट हो गए हमारे। कुछ लोग हैं यहाँ पे जो ऑन ए डेली बेसिस यहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए, सोचिए उनके लिए ये कितना टफ होता होगा। करीब 250 स्टेप्स अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग, और 350 स्टेप्स के आसपास और बाकी है अभी तक। टोटल 550 बोलते हैं, तो ऊपर कंप्लीट होते होते शायद 600 तक हो जाता है। और यहाँ से व्यू अगर आप देखेंगे, बहुत ही अल्टीमेट व्यू है, बहुत ही अल्टीमेट व्यू, जो कि मैं आप सबको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। और जगह जगह पे जय श्री राम लिखा हुआ है, भगवान राम का नाम लेते चलो और चलते चलो। 300 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं और करीब 300 और बाकी है। मुझे ये चीज़ नहीं समझ आता है कि जितना फेमस केदारनाथ हो चुका है इन दिनों, उतना फेमस ये क्यों नहीं है। रामायण में जो किष्किंधा नाम से हम लोग जानते थे, महाराज सुग्रीव का जो राज्य था, वही यहीं पे भगवान राम की जो मित्रता हुई थी सुग्रीव से, और यहीं पे भगवान हनुमान का जन्म हुआ। कहते हैं कि हनुमान जी आज भी यहाँ आते हैं कभी कभार। श्री हनुमान जी जन्म स्थल अंजनी पर्वत किष्किंधा, 575 स्टेप्स। यहाँ का पत्थर का साइज देखिए आप, इतना बड़ा। व्यू देखिए सिर्फ। ऊपर आने के बाद कुछ ऐसा व्यू नज़र आता है, बहुत ही अल्टीमेट और बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ से। आपको मैं वो एंड से व्यू दिखाता हूँ, पहले अंदर मंदिर से दर्शन करके आ जाते हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छा व्यू पॉइंट है, आप सब लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, सब लोग आके पूरा व्यू पॉइंट ही एंजॉय करते हैं। और बहुत ही बढ़िया और बहुत ही वेल इनॉग्रेटेड हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पे। मैं आप सबको सजेस्ट करूँगा आप लोग ज़रूर आए, और यहाँ पे आने के लिए कोई भी एंट्री फीस नहीं है, एकदम फ्री है। नीचे से प्रसाद ले और आए, कोई भी तरह की एंट्री फीस नहीं है यहाँ पे, आराम से आए। और अंदर भी, मंदिर के अंदर भी कोई बड़ी पूजा करवाने की या कुछ भी करवाने की आपको ज़रूरत नहीं है, कुछ भी मैंडेटरी नहीं। आए आराम से, आप अपना दर्शन करें और व्यू एंजॉय करें। गाइज आप सबने व्यू तो देख ही लिया होगा, अल्टीमेट व्यू है। यहाँ से एक जगह और है जहाँ मैं अभी पत्थरों पे खड़ा हूँ, आप सब देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आने से एक अलग ही एनर्जी जनरेट होती है हमारे अंदर, और यहाँ पे आना मतलब टोटली वर्थ है आपका। यहाँ पे आप आए
एकदम सस्ता है, कुछ भी आपको ज़्यादा एक्सपेंस नहीं करना, यहाँ पे खाना रहना सब कुछ बहुत सस्ता है और यहाँ तक पहुँचने का भी रास्ता बहुत ईजी है। वहाँ से नीचे आते ही आप सबको यहाँ पे राम वन गगन मार्ग मिलेगा। कहते हैं यहाँ पे कि जब श्री राम जी और लक्ष्मण जी यहाँ पे आए थे खोज में सुग्रीव जी के, तो उनको स्नान करने के लिए, नहाने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी, तो श्री राम जी ने यहीं पे एक बाण लगाया, तीर मारा और वहाँ से ये ज़मीन से जल निकला, तो ये वही मार्ग है। यहाँ पे शबरी की गुफा भी है, तो माता शबरी की गुफा पे हम जाके देखते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? शैतान। क्या? शैतान। शैतान? शैतान हो तुम? बुट्टी वगैरह पीस थी नी? हाँ। वे सब है। अच्छा। और ये? ये सब्जी पास है। वे सब्जी दुकान। सब्जी दुकान। वो कहते हैं ना रस। ये माता शबरी की गुफा है। बेर खाता है ना इधर से। हाँ कहीं मतलब फल खाया जी का। हाँ ये सीता है ना। हाँ सबरी। तुम्हारा नाम क्या है? तो दोस्तों आप सब ये सारा चीज तो देख ही सकते हैं कि कितनी हिस्टोरिक और कितनी अच्छी ये जगह है। हनुमान जी का जन्म से लेके शबरी माँ की गुफा तक सारा कुछ यहाँ पे मिलेगा। मैं आप सबको रेकमेंड करूंगा कि आप सब लोग इस जगह पे जरूर आए और ये सारा कुछ एक्सप्लोर करें। बिल्कुल ही फ्री है, सारी जगह पे एंट्री फीस एकदम फ्री है, आप आराम से आए और बहुत ही कम पैसों में आप यहाँ पे आके घूम सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे। और इसके साथ ही हम्पी में आप सबको विठला टेम्पल घूमने का भी मौका मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत विठला टेम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं। 50 रुपीज़ नोट के पीछे में जो टेम्पल बना हुआ है वही हम्पी में विठला टेम्पल के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे जाइए, बहुत ही खूबसूरत एनवायरनमेंट है। वहाँ पे जाने के लिए भी कोई खास फीस है नहीं, 50 to 100 रुपीज़ पर पर्सन है, तो आप वहाँ पे भी जाइए। इसके अलावा भी हम्पी में बहुत सारी जगह है आप घूम सकते हैं, आसपास भी बहुत सारी जगह है। वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे और भी ट्रैवल सीरीज़ आप सबके लिए मैं लेके आ रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।